लेकिन ये बात ना 100% सही है। जब आदमी एक लेवल तक पहुंच जाता है ना पैसे के मामले में, उनको पहचानने से इनकार कर देता है। मेरा काम स्टार्ट हो गया, बैठ गया काकुली जी और बेटा भी बैठा है पीछे। पहले बेटे के स्कूल छोड़ के फिर जाएगा काम पे। अभी बज रहा है 7:30, 7:30 बज रहे। अभी ना पानी भी गिर रहा है हल्का हल्का, ये देखिए शीशे में थोड़ा ब्लर जैसा दिख रहा है ना, ये पानी है शीशे में रुका हुआ है। तो अभी पानी भी गिर रहा है हल्का हल्का, अभी जा रहा है स्कूल की ओर, देखते हैं। ये देखिए सुबह का टाइम है, रास्ता बिल्कुल खाली है, पानी गिर रहा है इसीलिए बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। एकदम खाली है, सुबह का टाइम है, रास्ता पूरा भीग गया। अभी जा रहा हूँ बेटे का स्कूल की ओर। दोस्तों बेटे को स्कूल देने के बाद ना इधर आया, बहुत तेज इधर बारिश हो रहा है। देखिए मैं वेट कर रहा हूँ अपना बारी का, ये देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है, पूरा रास्ता उस्ता सब भीग गया। अभी बच्चे स्कूल जा रहा है लेकिन बारिश बहुत तेज हो रहा है इधर। अभी तो बैठा हूँ गाड़ी के अंदर। इस तरह से अगर पानी गिरेगा तो काम कैसे होगा बोलिए। अभी पानी गिर रहा है, बैठा हूँ घर के गाड़ी के अंदर, देखिए कितना तेज पानी गिर रहा है। अभी टाइम कितना 10 बज रहा है, इस टाइम में इतना जोर का बारिश हो रहा है। और बारिश में तो सवारी आएगा नहीं, कोई दुकान के अंदर खड़ा है, कोई अपना ऑफिस के अंदर खड़ा है, और पानी रुकेगा तभी बाहर निकलेगा। भीगने के लिए कौन जाएगा, अभी मौसम भी ठीक नहीं है, इस मौसम में कोई भीगेगा तो ठंडा लग जाएगा। दोस्तों आज का दिन उतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि सुबह आपका 9:30-10 के करीब बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा था, तो बहुत टाइम तक हुआ जो बारिश। बहुत टाइम होने का बाद क्या हुआ, उस टाइम तो उतना टाइम तक सवारी नहीं मिला, सवारी नहीं मिला तो दिन भर ऐसे ही काम वाम किया। अभी आया थोड़ा इधर, ज़्यादा दूर तो नहीं आया, 6 किलोमीटर दूर आया। अभी यहाँ से ऑफिस जा रहा है। देखिए आगे का जो पहाड़ का नज़ारा है ना, मैं दिखाता हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए ये देखिए पूरा चोटी दिख रहा है अच्छा से। मेरा गाड़ी में ना इंजन का इतना आवाज़ करता है, चला के मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी को, उसको बनाना ही पड़ेगा, ये तो अच्छा से चलाया नहीं जा रहा है। इसको बनाएगा तो साउंडलेस हो जाएगा, तो जो अभी कैच 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 करके जो साउंड आ रहा है ना, ये सब हट जाएगा उसको बनने के बाद। अभी टाइम हो गया 5:50, आगे का नज़ारा देखिए। रोड में गाड़ी नहीं है, शाम तो हो गया, रोड खाली खाली है। पहाड़ का चोटी के पीछे ना बर्फीला पहाड़ दिख रहा है, देखिए अच्छा से हल्का हल्का सा दिख रहा है। किसी दिन मौसम साफ होगा ना पूरा बर्फ वाला पहाड़ दिखाई देगा। पहले ना पानी पी लेता हूँ। पानी दोस्तों अभी धीरे धीरे जाएगा, काम तो किया। अभी तो बज रहा है 6:10। ये रोड का पास खड़ा होने से ना इतना गाड़ी जाता है, इतना हॉर्न लगाता है, इतना जोर से गाड़ी चलाता है, उसका साइलेंसर का जो आवाज़ है ना बहुत तेज लगता है, और बात भी ठीक से किया नहीं जाता, तो इसलिए ना रोड का बगल में खड़ा होना ही बेकार है, यहाँ ठीक से बात नहीं होता। ये देखिए गाड़ी हॉर्न लगा रहा है, कितना बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, कितना जोर का साउंड भी आ रहा है। जो भी है दोस्तों अभी कुछ ही देर के बाद बेटे का छुट्टी होगा, उसको लेके जाएगा घर।
एक चीज़ है दोस्तों, आज ना एक जान पहचान वाला पुराना एक आदमी जो मेरे से हरदम बात करता रहता था और कभी कभी तो खुद से बुला कर बात करता था, कोई भी चीज़ का अगर उनको लगता है कि इसका थोड़ा किसी से भी बात करने से उसका सोल्यूशन निकल सकता है, तो वो बंदा ना ऐसा था, छोटा वाला नहीं दिखता था, हर किसी से वो बात शेयर करता था, मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में हूँ, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है क्या, ऐसा बोलता था। तो मान लीजिए करीब करीब 2 साल से ना ठीक से उनसे बातचीत नहीं हुआ, भेंट नहीं हुआ, 2 साल नहीं भी होने से 1.5 साल तो होगा ही होगा। तो 1.5 साल से ना मैं सोच रहा था ये बंदा गया किधर, दिखाई भी नहीं दे रहा है, बात भी नहीं हो रहा है। तो अचानक क्या हुआ ना, उनका बात बोल ही रहा था आज कि हर रोज़ मैं उनका शॉप का सामने से जाता हूँ, तो बंदा ना दिखाई नहीं देता था क्योंकि उसका शॉप बहुत दिनों से बंद पड़ा था। तो मैं सोच रहा था बिना बताए कहाँ गया होगा, बात भी नहीं होता है, दिखाई भी नहीं देता है उसका, लेकिन मेरा नंबर ना उनके पास था, वो चाहता तो कॉल कर सकता था मुझे, उनका नंबर भी मेरे पास था, लेकिन मैंने जब नया मोबाइल और सिम को चेंज किया ना, वो नंबर मेरे सिम कार्ड और मोबाइल से हट गया है। आप वो बंदा कॉल करेगा तभी मेरे पास उनका नंबर आएगा। तो आज उनका बात कर ही रहा था कुछ देर पहले, अचानक ना वो सामने से वो गाड़ी लेके गया, बड़ा गाड़ी लेके, तो उनको आवाज़ भी दिया मैंने, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाया। तो पहले मैंने उनको बुलाया, मुझे लग ही रहा था और उन्होंने ठीक से सुना नहीं, तो मैंने ना गाड़ी का बाहर से सर निकाल के उनको आवाज़ लगाया, तो वो बंदा ना मुझे देखा और ऐसे चला गया, मान लीजिए मुझे देखा ही नहीं, तो वो अंदर चला गया, गली का अंदर चला गया जहाँ उनका घर है। तो वहाँ उनका घर ये भी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उनका घर थोड़ा आगे था, शायद पीछे का जगह भी खरीद लिया होगा, तो पीछे घर बनाया, तो अंदर चला गया। तो मैंने क्या किया, वो तो गली का पीछे जाके ना खड़ा हो गया, मैं सोचा शायद आएगा बात करने के लिए, क्योंकि वो बंदा उस तरह का था नहीं, देखने से ना आके बात करता था, अच्छा बुरा कुछ भी हो बात करता था, बोलता था, बंदा बहुत अच्छा किस्म का इंसान है, अभी दोबारा मिलेगा तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वो तो हमको पता नहीं, लेकिन आज का रिएक्शन ना उनका ऐसा था, उन्होंने देखा, देखने के बावजूद भी मान लीजिए मुझे देखा ना तो पहचान नहीं पाया, लेकिन मेरा गाड़ी को तो पहचानेगा, 100% श्योर है, गाड़ी भी खड़ा था, मैं भी वहीं पर था, और मैं गाड़ी के अंदर से आवाज़ लगाया, फिर गाड़ी के बाहर से सर निकाला, फिर उन्होंने ना ऐसे रिएक्शन दिया, उन्होंने देखा ही नहीं, मुझे पहचाना ही नहीं, गली के अंदर चला गया। तो मैं पीछे जाके ना खड़ा हो गया, मैं सोचा आएगा वो बंदा, पीछे जाके खड़ा था, तो ना करीब करीब 40 से ज़्यादा ही होगा, 70-80 ऐसा होगा, 70-80 फीट डिस्टेंस गया, यानी कि बंदा गाड़ी अंदर घुसा दिया। तो गाड़ी तो ऐसा गया ना, तो गाड़ी पीछे का साइड मेरे तरफ था, तो मैं पीछे ही खड़ा था, तो घर के अंदर जाने का टाइम ना उनका गेट खोलना पड़ा, तो गेट खोल के जब आ रहा था ना मेरे तरफ फेस होके आ रहा था, तो उन्होंने देखा मुझे, फिर भी ना अनदेखा किया, चला गया। जो भी हो भाई, ये बात तो 100% श्योर है, आदमी का जब पैसा हो जाता है ना तो पहचानना भूल जाता है किसी को, आदमी जब पैसे के बारे में थोड़ा ऊपर का लेवल तक चला जाता है ना, तो बहुत सारा आदमी है, सबका तो नहीं बताऊंगा मैं, बहुत सारा आदमी है जो उनका बराबरी का नहीं है ना, उनको पहचानने से इनकार कर देता है। आप मान लीजिए खाली जगह पे, एकदम खाली जगह पे आपसे रूबरू हो गया, तो आपसे 2-4 बात बोल देगा, और बोल देगा हाँ उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, आप बुरा मत मानो, उस दिन ध्यान नहीं दिया था, मैं थोड़ा बिजी था, टेंशन में था, ऐसा बोल देगा। लेकिन ये बात ना 100% सही है, जब आदमी एक लेवल तक पहुंच जाता है ना पैसे के मामले में,
तो मेरा कहने का मतलब है जो उनका बराबरी का नहीं है ना, उनसे वो ठीक से बात नहीं करते, ये चीज़ तो भाई अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से पैसा नहीं होना ही अच्छा है। पैसा हो भाई, खा पी के थोड़ा चलने वाला पैसा हो, चल जाएगा। इससे ज़्यादा पैसा मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा सा घर हो, बेटा को बेटी को जो भी हो, बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा करो, खा पी के ठीक ठाक से चलो, थोड़ा कैश हो हाथ में ताकि प्रॉब्लम का घड़ी में आपका साथ दे। लेकिन इससे ज़्यादा पैसा अगर होना तो मेरे हिसाब से मेरा भी होगा ना, तो मैं भी शायद उसी कैटेगरी में आ जाऊँगा। कैसे मुझे थोड़ा थोड़ा फीलिंग हो रहा है। मान लीजिए उस टाइम ना आपको उसी तरह का बंदा मिलेगा जो आप, मान लीजिए मैं उस कैटेगरी में पहुंच गया, बहुत पैसा वाला बन गया, तो मेरे से ना पैसा वाला लोग ही भेंट करेगा। बिजनेस के बारे में हो, कुछ भी हो, किसी चीज़ के बारे में उसी तरह का आदमी लोग मिलेगा। तो जिससे मैं आज तक बातें करते आ रहा था ना, वो लोग ना मेरे से थोड़ा पिछड़ा रहेगा, वो लोग मेरे से बात करने से थोड़ा सोचेगा, 10-12 बार सोचेगा, अभी उससे क्या बात करेगा, वो तो इतना ऊपर पहुंच गया, हम लोग को पहचानेगा भी नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इतना पैसा मत हो, थोड़ा चलने वाला हो चलेगा। वहाँ मैं बात कर ही रहा था, वहाँ से सवारी मिला तो लेके आ गया, ये पीछे वाला ट्रैफिक में अभी अभी छोड़ के आया। अंधेरा हो गया ना, हर एक जगह पे बत्ती जल गया, वो पीछे जो ट्रैफिक दिख रहा है ना वहाँ पे छोड़ के आया, अभी रेड लाइट हो गया ट्रैफिक का, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड हो गया, कुछ ही देर में ग्रीन भी हो जाएगा, वो देखिए ब्लिंक हो रहा है, अभी ग्रीन हो गया, उसी जगह पे छोड़ के आया सवारी को, अभी जाएगा बेटे का ट्यूशन को। हो गया आज का मेरा काम दिन भर का। ये देखिए ट्रैफिक सिग्नल अभी रेड है ना, कुछ देर के बाद ये ग्रीन हो जाएगा।